हेलो, कहाँ हो तुम भाई? फासले? हाँ ब्रो, मैं निकल गया, होटल जा रहा हूँ। कौन जा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ पर हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं टैक्सी से होटल जा रही हूँ, तुम भी टैक्सी लेकर होटल आ जाना, समझी? ओके, होटल में मिलता हूँ। मेरा पाउच कहाँ गया? कहाँ जा सकता है? मेरे पास ही तो था। हाय, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद मिल रही हो, तुम्हें देखकर इतना अच्छा लग रहा है। चोर थी वो, उसी ने किया होगा। आप दरवाजा बंद करेंगे प्लीज? वो मेरा पाउच कहीं गिर गया है, शायद किसी ने चोरी कर लिया। मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप मुझे मेरे होटल छोड़ सकते हैं प्लीज? हमेशा के बहाने हैं ये, आई एम सॉरी। हेलो आर्दा, सॉरी इस वक्त मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। कोई बात नहीं, क्या हुआ? मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। हैं? कहाँ हो तुम? ब्लू एंजल बार के सामने। मैं अभी आता हूँ, मैं बस थोड़ी देर में आया। नशा ज्यादा हो गया। और तुम मौका पाकर मुझे घूर रहे हो, है ना? यार चुप हो जाओ तुम साइको, जो मन में आता है बोल देती हो। ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं मैं, समझ गई? रहने दो, मैं देती हूँ, ऐसा नहीं चाहिए। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। ओह नो, मेरा सारा पैसा मेरी दोस्त के पास रह गया। थैंक यू सर। उसके आते ही लौटा दूंगी मैं। तुम ठीक हो ना? चक्कर आ रहेगा तुम्हें? नहीं, चक्कर बस यही रह गया था। हे हे, उठो, मुझे इसका नाम भी नहीं पता। गौंजा आर्दा, आने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं सुबह से तुम्हें परेशान ही कर रही हूँ ना। अरे कोई बात नहीं,
वैसे जाना कहाँ है? वो हम होटल जा सकते हैं, असली मेरा वहाँ इंतजार कर रही है। ठीक है। तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं उल्टी यहाँ नहीं, प्लीज प्लीज रुको रुको, नहीं ये क्या कर दिया यार तुम? I'm sorry. असले मैं तुमसे पहली नजर में ही प्यार करने लग गया था। मैं भी की रात भी एक सपना ही होती है, अब मैं क्या करूं? तुम ठीक हो? नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज प्लीज उल्टी मत कर, एक मिनट रुको रुको, क्या क्या कर रही हो यार तुम? I'm sorry. क्या मुसीबत है? ये मैंने क्या कर दिया? यही होना बाकी था, इससे बुरा और क्या होगा? हमारी हालत देखो, ऐसा नहीं चलने वाला है यार। उफ़ असले यार, प्लीज तुम सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। तुमने क्या कहा गौंजा? इससे बुरा और क्या हो सकता है? ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना नौकरी है,
हमने पूरी रात इन कपड़ों में यहाँ बीच पर बिताई है। मैं एक और रात इस तरह से नहीं बिता सकती हूँ। मैं मॉम को सब बता दूंगी, वो हमारे लिए फ्लाइट के पैसे भेज देंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? हम सब कुछ संभाल लेंगे ना। अर्दम ने जरूर मैनेजर से हमारे लिए जॉब की बात की होगी। हमारे पास रहने के लिए घर और जॉब दोनों होगा। हाँ माना, हमने जैसा चाहा था वैसा तो नहीं हुआ, पर देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस, मुझ पर भरोसा करो। ओके, लेकिन सिर्फ एक और दिन। ओके हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। अब चलो आर्दम से मिलते हैं, शायद हमें कोई गुड न्यूज मिल जाए। ये तो गरीबी की हद हो गई। ये तो बहुत खुश लग रहा है, लगता हमारा काम हो गया। मैं अभी बस तुम लोगों को कॉल ही करने वाला था। मेरे पास एक गुड न्यूज है, मैंने तुम्हारे बारे में मैनेजर सिनेम से अभी बात की है। तुम्हें बस इस फॉर्म को भरना है और फिर वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगी। सच कह रहे हो तुम? थैंक्स, तुम्हारा ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे। तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। निहात। बोलो डियर। क्या बताऊं, कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई, नींद ही नहीं आई मुझे। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, बुराक के बारे में सोच रही थी। सेल्डा, देखो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। डार्लिंग प्लीज जरा सोचो, तुम्हें लगता है तुम सिर्फ बुराक को सजा दे रहे हो, लेकिन ये देखो ना, चार्ला और बुराक ने सालों से अमेरिका का ये ट्रिप प्लान किया हुआ था। अब लास्ट मिनट तुमने ट्रिप कैंसिल कर दिया तो वो नाराज भी हो गई। अब उस बेचारी की भला क्या गलती है, वो हमारी बहू बनने वाली है, वो यहाँ हमारे साथ रहेगी। तुम जानती हो मैं चारला से कितना प्यार करता हूँ, वो हमारे सामने बड़ी हुई है, मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन बुराक को सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसलिए प्लीज तुम बीच में बिल्कुल मत आना। ओ निहात, तुम बच्चों की तरह जिद कर रहे हो, अब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, सीरियसली। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? प्रॉमिस कर रही हो? मजाक मत करो। गुस्से में तुम और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। निहार, मैं बुराक को कॉल करती हूँ, उसे वापस बुला लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, उसे कुछ दिन बाहर रहने दो। रियली? तो जब तक बुराक वापस नहीं आता ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सेल्डा, एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, आज के बाद मैं इस घर में बुराक का नाम नहीं सुनना चाहता। अंडरस्टूड? डोंट वरी डार्लिंग, उसके जाने से पहले हमारी बात हुई थी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसके डैड का नाम खराब हो, उसने प्रॉमिस किया है मुझसे। देखते हैं। लो देख लो, तुम्हारे बेटे ने कहा था वो मुझे अपसेट नहीं करेगा, पर देखो अपनी आंखों से उसके कारनामे देख लो। क्या लिखा है इसमें? खुद पढ़ लो, पता लग जाएगा। बुराक मजरोलू को कल रात बोड्रम नाइट क्लब में देखा गया। वहां के फेमस नाइट क्लब ब्लू एंजल्स में लोगों से झगड़ा करने के बाद वो एक लड़की के साथ वहां से निकल गया और उसके फोटो खींचने वाले रिपोर्टर्स पर भी उसने हमला किया। ओ बुराक, आखिर तुम कब सुधरोगे बेटा? लगता है मेरी जान लेकर ही मानोगे। क्या करूं? हेलो। बहुत अच्छे बेटे, बहुत खूब।
इतनी सुबह क्यों कॉल किया है मॉम? क्या तुम एक दिन भी मेरी बात नहीं मान सकते थे? यार आज फिर मेरे बारे में छापा है क्या? मैंने तुमसे कहा था अपना ख्याल रखना, लेकिन लगता है तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो। मैंने तुम्हारे डैड को अमेरिका ट्रिप के लिए मना लिया था, लेकिन तुमने सब चौपट कर दिया बुराक। सीरियसली? वो अब कभी नहीं मानने वाले, तो अब अमेरिका ट्रिप के बारे में भूल जाओ। मॉम मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्लब में पहले से ही झगड़ा चल रहा था और मैं बस वहाँ फंस गया। मेरी क्या गलती है इसमें मॉम? ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों होता है बेटा? क्यों होता है बताओ ना। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम किसी अनजान लड़की के साथ क्या कर रहे थे वहाँ, ये बताओ? तुम चारला के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी इन हरकतों से ना सिर्फ तुम अपना बल्कि अपने परिवार का भी नाम खराब कर रहे हो। मॉम आप गलत समझ रही है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब तुम चारला को समझाना बेटा। सोचो वो ये खबर पढ़ेगी तो क्या हाल होगा उसका। देखो बुराक, मैंने आज तक हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस बार अगर चारला तुम्हें छोड़कर गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ भी करो लेकिन उसे मना लो, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ ठीक है मॉम, ठीक है। लो फॉर्म फिल हो गए। लाइए। हाँ ओके, अब आप लोग इंटरव्यू दे सकती हैं। ओह वो बेचारी लेडी, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम तो जानती हो ना शुक्रान, बुराक के बारे में। वो फिर से पेज 3 पर आया है। उसने झगड़ा किया और पूरा क्लब सर पे ले लिया। इतना ही नहीं, कल रात वो किसी लड़की के साथ भी था। ओह मिसेस सेल्डा जरूर बहुत गुस्सा हुई होंगी। ऑफ कोर्स हुई होंगी, वो और कर भी क्या सकती हैं। मिस्टर नेहात को तो मैंने खुद पेपर दिया था, पता नहीं अब क्या होगा। देखा, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, ऊपर वाला अब हम सबको सही राह दिखाए बस और क्या, खासकर बच्चों को। सही कहा शुक्रान। हाँ असल बोधरूम में है, मुझे डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मुझे उसे जाने ही नहीं देना था। अरे तुम खामखा चिंता कर रही हो, असल एक बहुत ही स्मार्ट लड़की है, वो वहाँ काम से गई है, मस्ती करने के लिए नहीं। सही कहा, खुदा जानता है आज तक उसने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन उसकी उम्र पर नहीं। हाय कहीं वो किसी नाकारा लड़के से इश्क कर बैठी तो। ये ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो, तुम देखना असल जरूर किसी अच्छे लड़के से ही शादी करेगी। सच कह रही हूँ इंशाल्लाह। चलो जल्दी से हाथ चलाओ। हगल्स वो रहा ऑफिस, गुड लक। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर, रात को एक वेलकमिंग समा पार्टी कर रहे हैं, उसके बारे में आपसे अकेले में बात करनी थी, अगर आप चाहें तो। जी। अगर तुम्हें ये ऑफर मंजूर है तो आज से काम शुरू कर सकती हो। मंजूर है। मुझे भी। तुम दोनों एक मंथ यहाँ पे ट्रायल पर रहोगी, अगर हमें काम अच्छा लगा तो तुम्हें परमानेंट करेंगे। हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। यस मैम। हमें पूल और बीच बार्स पे एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो तुम पूल बार पे काम करोगी और तुम बीच बार पर। ओके जरूर, जैसा आप कहें मैम। हाँ बिल्कुल। तो फिर यहाँ तुम्हारा स्वागत है, गुड लक। थैंक यू वेरी मच। आइलेन आपने बुलाया मैम? आज से ये लड़कियाँ हमारे साथ काम करेंगी, इन्हें काम समझा दो। ओके तो पहले इन्हें कमरा दिखा दो जहाँ ये दोनों रहेंगी, फिर इन दोनों को पूरा होटल दिखा देना। कल से ये दोनों हमारे साथ ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। ऑफ कोर्स मैम, वेलकम। थैंक यू। पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स एकदम परफेक्ट हैं। मुझे खुशी है आपको अरेंजमेंट अच्छी लगी। इस ओपनिंग से पहले हम एक रिहर्सल करना चाहते हैं, हम रूफ बार पर ओपनिंग करने की सोच रहे हैं और आर्किटेक्ट जो है वो आज आने वाला है ताकि हम मॉडिफिकेशन पर उसकी राय ले पाएंगे, तो क्या आप मीटिंग अटेंड करना चाहेंगे? मैं ज़रूर आऊँगा। मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर बुराक। गुड मॉर्निंग, कैसे हो मेरे भाई? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? अरे यार फिर से? मर गए तुम। इस बार अंकल निया तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले। सिर्फ डैड ही नहीं ब्रो,
लास्ट फोटो देख के तो मॉम की भी हालत खराब हो गई। इस वाली फोटो की बात कर रहे हो ना तुम? जाहिर सी बात है वो तुम्हारी माँ है और वो चाला को लेकर भी वरीड तो होंगी। हाँ, मॉम ने कहा कि कागला से ब्रेकअप हुआ तो मुझे माफ नहीं करेगी। वो सही है, अगर मॉम का सपोर्ट नहीं मिला ना तो मैं तो गया। ये न्यूज देखने के बाद चागला तो पागल हो जाएगी। पहले ही उसे ये लगता है कि मैं अमेरिका ट्रिप के बारे में उससे झूठ बोल रहा हूँ और अब ये सब। लेकिन कल रात तो तुमने कहा था कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो उस लड़की को जानते तक नहीं हो। तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे ना भाई? देखा, तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है। चागला देखेगी तो सोचो क्या होगा। तुम जानते हो तुम्हें देखकर किसकी याद आती है? किसकी? भेड़िया आया कहानी वाले लड़के की। अब तुम भी मजाक उड़ा रहे हो। सही है। अरे तुम नाराज क्यों हो रहे हो यार? हाँ तो फिर क्या करूं, कोई मेरा यकीन ही नहीं कर रहा। ये सब उस लड़की की गलती है, देखो कैसी सिचुएशन में फंसा दिया। सुनो भाई, इतनी टेंशन मत लो, अब चलो मसाज लेने चलते हैं। चलो, वैसे भी आज होटल में पार्टी है और तुम्हारे बिना कौन सी पार्टी होती है? पार्टी है? चलो, अब मेरा मूड थोड़ा बेटर हो रहा है। तुम कभी नहीं सुधरोगे, बड़े ही ठीक हो। चलो आ जाओ। Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.